हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका फिर स्वागत है। आज स्केचअप लर्निंग का पार्ट थ्री थर्ड वीडियो है, जिसमें हम ग्रुप बनाना, कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। जो हमने ग्रुप बनाया है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है, घर बनाया हो या टावर बनाया हो, वाटर टैंक बनाया हो, उसको मूव करना तीनों एक्सेस पे, रेड एक्सेस पे, ग्रीन एक्सेस पे और ब्लू एक्सेस पे मूव करना सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोलर स्किल एजुकेशन से, यदि वो स्किल एजुकेशन सीखना चाहते हैं या सोलर में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये चैनल जो है मेरा, ये आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये लास्ट वीडियो में हमने ये घर बना के देखा था, तो मैं इसका ये जो प्लान है इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। दोस्तों अब हम देखेंगे ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले तो ये कि ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। जैसे ये मैंने इस, ये जो सरफेस है, ठीक है, इस फेस को मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अभी मैंने इस घर को ग्रुप नहीं बनाया। देखो आप इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँ ये एरो से, शॉर्टकट, हम ये वीडियो हो जाए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट देखेंगे। अभी सिर्फ आप जो टूल दिए हैं उसको यूज करके कर लीजिए। ये अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट से कैसे किया, ये अभी सेलेक्ट नहीं है मेरा। मैं एरो पे गया, सेलेक्ट पे माउस को लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और ये मेरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो कॉपी कट ये भी हम आज ही देख लेंगे। तो सपोज ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं क्या करूंगा इसे कॉपी, कॉपी के लिए क्या करते हैं हम, मूव कमांड लेते हैं। ये मूव मैंने सेलेक्ट किया, ये आप देखो एरो आ गया, ठीक है। अब कॉपी कैसे करेंगे आप इसे, तो आप क्या करिए, ये आपने ले लिया है मूव, कंट्रोल को दबा के रखिए तो ये आपको इसमें ये प्लस दिख गया, लेफ्ट क्लिक करिए माउस में और ये मैंने इसकी कॉपी कर ली, ठीक है। क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ये मैंने जब इसको पूरा ग्रुप जैसे सेलेक्ट कर लिया तब मैंने इसे कॉपी कर पाया। अब मैं इसे हटा देता हूं, अब ये मेरा ग्रुप नहीं है, अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं इसे, ये मैंने लिया, अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं या मूव करना चाहता हूं कि उधर पास चले जाए, एक और कॉपी हो जाए। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, आप ये देखो सिर्फ जो सरफेस मैंने सेलेक्ट की है वही मेरी मूव होगी, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट जो घर है मेरा। अगर मुझे पूरे घर को मूव करना है तो मुझे इसे ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप कैसे हम बनाएंगे, आप सेलेक्ट लीजिए, आप इसे सेलेक्ट करिए ऐसे, यहां से जाके यू सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, ये आपको इसमें सबसे ये दिखेगा मेक ग्रुप। अभी आपका घर ग्रुप बन गया। अब इसको आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं मूव पे जाऊंगा, ये अब मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, पूरा घर मेरा मूव होगा। कॉपी करना है, कंट्रोल दबाऊंगा, ये कर दूंगा, ये आप निकल आए, ठीक है, ये आप इसे कहीं भी कर सकते। मींस कि मुझे ग्रुप क्यों बनाना रहता है, कि जो भी मैंने डिजाइन बनाई है उसको, यदि मैं पूरी डिजाइन को चाहता हूं कि ये मेरी मूव हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, कट हो, या मैं एडिट करना चाहूं, है ना, सेपरेटली, अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूं, चूंकि अभी ये मैंने ग्रुप बना लिया, सपोज मैंने इसे ग्रुप नहीं बनाया, ये मैं हटा देता हूं इसे, ये मेरा ग्रुप नहीं बना है। अब मैं इसमें चाहूँ सेलेक्ट लगाना, तो अगर मैंने ये जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्केल, तो ये मैं स्केल करके अगर इसे बढ़ाऊंगा तो आप देखो ये कैसे बढ़ रहा है, पीछे से आप देखो इसे, ये प्रॉपर मेरा जो मैंने टावर बनाया था वो मेरा नहीं हो रहा स्केलिंग में, केवल जो सरफेस है फ्रंट जो सेलेक्ट हो रही वही हट रही है, बड़ी हो रही है, डिलीट हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रुप बना लेता हूं तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो हमने ग्रुप बनाना कैसे सीखा, हम ऐसे सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्यों
और फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाके मेक ग्रुप कर देंगे। या एक और तरीका है, आप इस पे जाइए, इस पे 3 बार क्लिक करिए, ठीक है, ये आपका जब ऑब्जेक्ट बनता है, ये देखो आप 3 बार क्लिक किया तो ये टैंक छोड़ के जो भी सरफेस मेरी इंडिपेंडेंट है वो मेरी पूरी आ जाएंगी। फिर से आप देखो इसे, ये 3 बार क्लिक किया मैंने, ये आप राइट क्लिक करो, ग्रुप बना दो, ये भी आपका ग्रुप बन जाएगा, है ना। फिर से करके देखते हैं, या तो मैं सेलेक्ट करके पूरे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करूं, विथ टैंक आ जाएगा ये, ठीक है, एक हो गया। या मैं इस सरफेस पे जाके 3 बार क्लिक कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी टैंक भी इसके साथ ग्रुप बने, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा, टैंक पे क्लिक करूंगा, इस टैंक पे क्लिक करूंगा, ये हो गया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप बना दूंगा, ये मेरा ग्रुप बन गया, ठीक है, ये मेरा ग्रुप बन गया। इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो। ये ग्रुप है, कंट्रोल के साथ सी दबाऊंगा तो ये मेरा कॉपी हो जाएगा, जैसे नॉर्मल होता है मेरा एमएस के बाकी उनमें। कंट्रोल प्लस वी दबाऊंगा तो ये मेरी कॉपी आ गई, ये मैंने कॉपी रख दी, ठीक है। उंडो करना है, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, ये वापस चले जाऊंगा मैं, ठीक है, बैक हो जाता है। अगर मैं कहता हूं नहीं, गलत हो गया, रिडो करो, कंट्रोल वाई करूंगा, ये वापस हो जाएगा। तो जैसे मेरे एमएस के कमांड हैं, वर्ड के या एक्सेल के, है ना, वही आपके कमांड इसमें यूज होते हैं, कॉपी पेस्ट अंडो रिडो इनके लिए, ठीक है। कट करना है तो कैसे करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, ये मेरा कट हो गया, वी दबा दूंगा तो ये मेरा वापस आ गया, ठीक है। तो आपसे ग्रुप बनाते हैं, बनने लगा होगा, है ना। ग्रुप का बहुत यूज है, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पर्लिन, ठीक है, राफ्टर, लेग, उसकी बेस प्लेट, ब्रेसिंग, ये सब अगर मेरे ग्रुप में रहेंगे तो मैं इनको मनचाहा मूवमेंट कर सकता हूँ किसी भी एक्सेस पे, है ना। अगर ग्रुप नहीं बना है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बिना ग्रुप के आप क्योंकि मूव नहीं करा सकते उसको, ठीक है। तो ये जरूरी है आपको ग्रुप बनाना। एक तरी और हम देखते हैं ग्रुप क्यों बनाना है, जैसे ये मेरी वॉल है, मैं एक विंडो बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने विंडो बना दी। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैंने ये गलत बना दी, मुझे दूसरे साइड बनानी थी, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट करूंगा। जैसे ही मैंने डिलीट किया, आप देखो उतना जो पार्ट था मेरे घर पे वो ही पूरा डिलीट हो गया अंदर तक। लेकिन अगर मैं इसे ग्रुप बना के करता हूं तो देखो क्या होगा, कंट्रोल जेड करता हूं मैं, पहले मैं इसको ग्रुप बना लेता हूं, ये मैंने ग्रुप बना लिया। अब मैं इस पे विंडो बनाता हूं, ये विंडो बनाई मैंने, मुझे लगा नहीं यार ये गलत हो गई, मैंने डिलीट की इसे, ये आप देखो डिलीट हो गई, है ना। इरेजर से इरेज भी कर सकता हूं मैं, देखो ये मैंने इरेज कर दिया। लेकिन मेरे जो पहले से बना हुआ है ऑब्जेक्ट, जो घर बना है, उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने ग्रुप बना के रखा है, ठीक है, एक ग्रुप पे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा तो फिर वैसा ही होगा कि एक कंपोनेंट में यदि मैं कुछ भी एडिट करूंगा या डिलीट करूंगा तो उससे मेरा दूसरे कंपोनेंट भी फर्क पड़ेगा उसमें भी, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। ग्रुप बना के मैं मूव कर सकता हूँ, कट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, किसी भी कंपोनेंट या जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसे मूव करा सकता हूँ किसी भी एक्सेस पे। तो आप ग्रुप बनाइए, बिना ग्रुप के बनाने में हमको बहुत दिक्कत होती है एडिटिंग करने में। एक बार तो आप बना लोगे पूरा, फिर लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी इसी घर में अगर मैं आपसे कहूँ, चूंकि मैंने इसको ग्रुप नहीं बनाया था, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया इसको ग्रुप से, ये अब ग्रुप नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूं ये टावर को डिलीट करना, ठीक है, जो मैंने घर बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, देखो आप, ये मेरा पूरा घर डिलीट हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ टावर बस डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पूरे इससे जुड़ा है ना।
अगर ये लेकिन मैंने ग्रुप बनाने के बाद टावर रखा होता तो मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता था। अभी मैं इस टावर को मूव नहीं कर सकता, कैसे करूंगा? इतना अगर बस मैं कॉपी करता हूं, इसको हटाना चाहता हूं, ये आप देखो घर पूरा हट रहा है। तो यही कारण है कि हमको ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। बिना ग्रुप के अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी एडिट करने में या किसी भी जो भी आपने बनाया उसको मूव करने में। ग्रुप बनाइए, ठीक है, इसे ग्रुप बना देता हूँ। ये मेरा ग्रुप बन गया, मैं टैंक भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। ये मेरा टैंक इंक्लूड हो गया। अब हम जो चीज मैंने बनाई है हम उसे मूव करना देखेंगे कि तीनों एक्सेस में, एक्सेस के पास आ जाता हूं ताकि आपको समझ आएगा कैसे हम उसे मूव करा रहे हैं। क्या करता हूँ, मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ये मेरा एक ब्लॉक हो गया। पुश पुल टूल से मैं इसे हाइट दे दूंगा 300 mm की, ठीक है। अब 3 बार क्लिक करके मैं इसे ग्रुप बना लूंगा। ये मेरा ग्रुप बन गया, ये मैंने जूम कर लिया। अब मैं इसे मूव कैसे करता हूँ? मूव कराने के लिए मेरा टूल लूंगा मैं मूव। अगर मैं इसे नीचे से ऊपर उठाना चाहता हूँ, मींस मेरे ब्लू एक्सेस पे, ठीक है, ये जो नीला दिख रहा है आपको कलर, इस पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? हमने जिस दिन टूल्स देखे थे उस दिन मैंने आपको एरो बताया था, राइट एरो, लेफ्ट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो, एरो जो हमारे कीबोर्ड में बने हैं उसका क्या काम है। तो आप क्या करेंगे, इस पे ऐसे रखिए इसको, एक बार क्लिक करिए लेफ्ट क्लिक, आपके जो एरो बने हैं कीबोर्ड में ऊपर वाला एरो दबा दीजिए आप, ठीक है। इस पे आप, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखो आप मूव हो रहा है। अभी क्या लिखा है, ऑन रेड एक्सेस। जब मैं ऊपर का दबाता हूँ एरो तो ये मेरा क्या हो जाता है, ब्लू एक्सेस पे हो जाता है, ठीक है। ये आप देखो ये मेरा ये ब्लू एक्सेस पे जाने लगा। अभी देखो आप ये किसी भी एक्सेस पे नहीं हो रहा है ना, ये मेरा ब्लू पे है। अब मैं इसे रेड में करना चाहता तो मैं रेड एरो दबा दूंगा, ये आप देखो रेड पे मूव हो रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेड लाइन दिख रही होगी आपको, है ना। फिर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड का एरो दबा दूंगा तो ये मेरा क्या होगा, ग्रीन पे मूव होने लगेगा, ठीक है, ये मेरा ग्रीन पे मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को जिस भी उसमें चाहें आप एरो दबा के कर सकते हैं। आप ऐसे करिए, एरो दबाइए, ये आपका रेड पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप एरो बिना दबाए मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये आपका ऐसा रहेगा, फ्री हैंड रहेगा, आपको मिलाना पड़ेगा कि मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेड पे, ब्लू पे करने के लिए मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, ये ब्लू पे आ गया। तो एरो दबाने से क्या होता है, हमारा फिक्स हो जाता है कि सिर्फ इसी उसमें मूव करेगा, ठीक है। ये मेरा रेड एक्सिस पे, ये ग्रीन एक्सिस पे, ये मेरा ब्लू एक्सिस पे। तो आप एरो दबा के फिक्स कर सकते हैं मूवमेंट को, या बिना एरो के भी आप उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन एरो दबाने से क्या होगा, हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर मैं रेड एरो दबाता हूँ, ठीक है, तो रेड पे जाएगा, ग्रीन जो मेरे एरो हैं आप किसके लिए है, मैंने आपको बताया था ब्लू के लिए। राइट साइड का जो एरो है वो किसके लिए है, रेड के लिए, और जो लेफ्ट एरो है वो किसके लिए है, ग्रीन के लिए। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तीनों एक्सेस पे मूव करा सकता हूँ एरो के हेल्प से। बिना उसके कराऊंगा तो ऐसे ही होगा, देखो आप ये बिना एरो के है। अब मेरे को सेलेक्ट कर, हाँ ये लाल पे आ गया। अब मैं इसे चाहूंगा ग्रीन पे करना तो कहो, हो सकता है नीले पे जा रहा है, ये ग्रीन पे आया, लेकिन एरो दबा देते हैं तो ये हमारा फिक्स हो जाता है कि जिस पे मैं चाहूंगा उसी पे मूव करेगा। अब इसकी जरूरत मुझे कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत मुझे कहाँ पड़ती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं एक लेग बनाता हूँ, ठीक है, 0.05, 0.05 का ये मैंने लेग बनाया। इसको मैं पुश पुल टूल की मदद से 1 मीटर उठा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा लेग बन गया। इस पे भी मैं क्या करूंगा, इसको ग्रुप बना दूंगा ताकि मैं एडिट कर सकूं अगर मैं कुछ करिए, मैंने बना दिया। अब मैं राप्टर बनाऊंगा, सपोज मैंने 0.05, 1.5 मीटर की राप्टर बना दी। पुश पुल टूल से मैंने इसको ऐसे उठा दिया 0.05, ठीक है, 3 बार क्लिक करके मैंने इसे ग्रुप बना लिया। अब मैं इस राफ्टर को चाहता हूं इस लेग पे रखना, ठीक
ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा इसे। अब मैं मूव करूंगा तो मुझे पता नहीं है ये कहाँ जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा इसे, पहले ये मैंने ग्रीन पे किया मूव, फिर मैंने इसे ये रेड पे किया मूव, ये आ गया मेरा रेड पे, ये मेरा रेड पे आ गया, ये फिक्स आ गया। अब मैं इसे ऊपर उठाऊंगा, ऊपर उठाने के लिए या तो आप डायरेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में कई बार क्या होता है वो फिक्स नहीं आता मेरा ब्लू पे। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बहुत दूर ले जाना होता है या कहीं बिल्डिंग पे ले जाते हैं तब हमारा दिक्कत होता है। तो उसके लिए आप कोशिश करिए एरो दबा के इसे मूव कराया करिए। आप एरो अगर हम दबा देंगे तो वो मेरा फिक्स हो जाएगा, दूसरे एक्सिस पे नहीं जाएगा। ये मेरा ये इस पे चढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे आप ये राफ्टर बना सकते हो, ऐसे ये राफ्टर आ गया लेग पे। अब मैं इसको मूव करा सकता हूँ, जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ। ये ग्रीन पे हो रहा है मेरा, अब मेरे को रेड पे करना है तो ये इधर रेड पे आ रहा है ना। आप एरो से भी मूव कर सकते हो, बिना एरो के भी मूव कर सकते हो। बिना एरो के करने में जरूरी नहीं वो हमेशा आपको उस पर मिले ही कलर पे, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करिए एरो दबा लीजिएगा साथ में, तो आप जिस भी उस पर चाहेंगे वो आपका मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने ग्रुप बनाना सीखा, मूव करना सीखा, कट कॉपी पेस्ट करना सीखा, डिलीट करना सीखा, उंडो और रिडो करना सीखा, ठीक है। आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपके हाथ इसमें शार्प हो पाएंगे। ये मैंने डिलीट कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट देखेंगे। आप देखो अभी मैं इधर ऐसे एरो ले जाके टूल पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे जो भी टूल्स हैं वो इधर से है ना, ये सेलेक्ट आ गया मेरा, ये मेरा ऑफसेट आ गया, ये मेरा टेप आ गया। तो ये शॉर्टकट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ आप इतना ही याद रखिए कि कट कॉपी पेस्ट क्यों है, ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है, कंपोनेंट बनाना हम अगले वीडियो में सीखेंगे, नहीं तो आपको ये ओवरलेप हो जाएगा, ठीक है। आज हमने कॉपी करना सीखा, कट करना सीखा, ग्रुप बनाना सीखा। चलिए उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप प्रैक्टिस करिए। यदि कोई भी आपको डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टूल को यूज करने में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।